हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का आज के सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु ने आज के दिन, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु ने हमें संभाला और ये हमें अवसर दिया कि हम पवित्र भवन में जाकर पिता परमेश्वर के सम्मुख अपने धन्यवाद की बलि को चढ़ा पाए हैं। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है और अपनी पनाह में रखा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम आप सभी भाई बहनों को हम वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं भाई दीपक लाल जी का, ब्रदर अभी क्लेमेंट जी का, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप सबको प्रभु बताए से आशीषित करें और आइए हम अपने डेली डिवोशन को शुरू करें और सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए, सुंदर रात्रि के लिए पिता परमेश्वर के प्रभु जी, आपने अब तक हमें संभाला है, अपने सामर्थ्य से भरा, अपनी सुरक्षा में रखा है, अपने अनुग्रह में बढ़ाया है। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए। सच में खुदावंदेश्वर राजा आपके महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए और पिता परमेश्वर आपके दया के लिए, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवादित है खुदावंद। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु जी आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके पवित्र भवन में जाकर आपकी आराधना को कर पाए, आपको धन्यवाद दे पाए पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने बीते समय में हमें हर प्रकार से सुरक्षित रखा, हर एक विपरीत परिस्थितियों में पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला है। हम आपका धन्यवाद देते पिता, क्योंकि खुदावंदेश्वर राजा जब आप हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके सुंदर वायदों के लिए, आपके उपस्थिति के लिए जो पिता परमेश्वर आप हर समय हमारे साथ रहते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस डेली डिवोशन को प्रभु जी आपके सम्मुख लाते हैं पिता, और प्रभु जी आज सारी आराधना खुदावंदेश्वर राजा आपको पसंद योग्य हो सके। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि सारे सिस्टम को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते पिता, हम सबको जितने भी भाई बहन खुदावंदेश्वर राजा आपके सम्मुख आए पिता, आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर, या वो बाद में देखेंगे, बाद में जुड़ेंगे पिता परमेश्वर, हर एक पर पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य उतरने पाए, आत्मा में भरकर आपके वचन को वो समझ सके, गहरे प्रकाशन को वो समझने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से आपके दास के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभु आप अपने बेटे के द्वारा, बेटे के माध्यम से पिता परमेश्वर जो वचन खुदावंद आप हमें देने जा रहे पिता, प्रार्थना विनती करते पिता कि आप अपने दास को कंट्रोल करना खुदावंदेश्वर राजा, उनका मुख हो और शब्द आपके हो पिता। हम सब भी प्रभु जी आपको, आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमेन आमेन आमेन। आप सभी को जय मसीह की। और हम वेलकम करते हैं सिस्टर शकुन लाल का, सिस्टर सविता क्लाइमेंट का, कि आपने ये समय निकाला कि प्रभु की आराधना में आप हमारे साथ जुड़ पाए, डेली डिवोशन में आ पाए हैं। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। और जैसा कि लिखा है भजन संहिता उसके 86 अध्याय के 12 पद में, हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से भजन संहिता 96 अध्याय के 7 पद में लिखा है, हे देश देश के कुलो, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। ज्योति में सदा रहने वाला मनुष्य में तूने जन्म लिया, इस यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, इस यीशु जग में तू आएगा, मनुष्य में तूने जन्म लिया, आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नभ्य होकर चले
तू बना, नम्र हो के चरणी में पैदा हुआ, मनु में हमारे घर तू बना, प्रेम में आकर दूरी बसा, लोग को अपने लिए फिरा, अग्नि बादल में दूर दिखा, जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा इसे यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में दूरी दिखा इसे यीशु अपना जलवा दिखा, दानिय्येल की तूने प्रार्थना सुनी, ऐज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदार भेजे, अपने लोगों को फिर से देर आए, देर आए यीशु देर आए, अपने लोगों को फिर से देर आए, बाबुल में तूने बेदार भेजे, अपने लोगों को फिर से देर आए, तू ही हमारा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का धन्यवाद हो। और आज मेरे साथ आप वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस रचे सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसके 20 पद से 26 पद तक। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं और कुछ विशेष बातों पर आज हम मनन करेंगे। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं कि खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, खुदा आपको अपनी पनाह और निगेबानी में रखे, खुदा अपने आपके परिवार को और आप लोगों को बहुत आशीषों से बरकतों से परिपूर्ण करें। क्योंकि जो वक्त आप परमेश्वर को दे रहे हैं मेरे प्रियो मेरे अजीजों, ये समय बड़ा बहुमूल्य है और प्रभु में इसकी गिनती हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जो 11 अध्याय उसका 20 पद है, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और उसका सॉरी 11 अध्याय और 20 पद से कहता है, उसकी हेडिंग दी है सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा। मेरे और आपके खुदा ने किसी न किसी बात के द्वारा जब भी कोई बात कही है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जब भी कोई बात कहते थे, जब भी कोई उदाहरण देते थे, या जो जो भी वो कहानियां बताया करते थे, जो भी वो उदाहरण देते थे, वो जीवित उदाहरण हुआ करते थे और उन्होंने यहाँ पर सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा का एक विषय दिया है। हालेलुया। और फिर लिखा है 20 पद में, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ तक सूखा हुआ देखा। हालेलुया। जो उसके चेले थे उसके साथ जब यीशु मसीह के साथ जा रहे थे तो क्या देखते हैं वो लोग देखते हैं कि जो अंजीर का पेड़ है वो जड़ से सूख गया। हालेलुया। उनकी निगाह उस पर क्यों पड़ी? अचानक नहीं पड़ी, लेकिन पड़ी उनकी निगाह, जरूर उससे कोई बात उससे रिलेटेड थी। उसको 21 पद में हम देखते हैं पत्रस को वो बात स्मरण आई। हालेलुया। पत्रस को जो प्रभु यीशु मसीह के खास शिष्य था और वो हर समय बड़ा अलर्ट रहने वाले पत्रस जो थे, बड़े अलर्ट थे, खुदा ने उनके ऊपर कलीसिया के निर्माण का जो वायदा किया है कि यार पत्रस मैं तेरे ऊपर ये कलीसिया खड़ी करूंगा, तो ऐसे ही नहीं किया था। वो बड़े अलर्ट रहने वाले व्यक्ति थे। और यहाँ कहता है
और स्मरण आई, उसको याद आई पत्रस को बात, और उसने उससे कहा, हे रब्बी, हे गुरु, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। हालेलुया। उन्हें वो बात आई क्या प्रभु यीशु मसीह भूखे थे और उस पेड़ की तरफ गए, और जब उन्हें फल नहीं मिला तो आज से तुझमें वो फल ना लगे। हालेलुया। और खुदा ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही थी, वो पेड़ जो था अंजीर का पेड़ था उसी घड़ी सूखना आरंभ हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर नहीं चलते, तो मेरा और आपका जीवन भी उस अंजीर के पेड़ की तरह क्या हो जाता है, सूख जाता है। मेरे प्रियो, तो आप अगर अपने जीवन को सुखाना नहीं चाहते, आप अपने जीवन को बर्बाद करना नहीं चाहते, आप अपने जीवन का अंत नहीं चाहते, तो प्रभु यीशु मसीह के, खुदा के कलाम के वचनों को पर आपको और मुझे चलना है। प्रेज द लॉर्ड। और 22वां पद कहता है, विशेष तौर से 22वां पद कहता है, यीशु मसीह, यीशु ने उसको उत्तर दिया। किसको? यीशु ने पतरस को उत्तर दिया और कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पर विश्वास रखो। अरे देखो, आज कोई असाधारण व्यक्ति होता तो वो कहता, देखा मैंने कहा और वो पेड़ सूख गया, मैंने कहा और ऐसा हो गया, मैंने ये कहा और उसके साथ ये हो गया। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात। नहीं तो लोग साधारणता कहने लगते हैं, देखा मैंने उसको कहा था, एकदम खत्म हो गया, वो एकदम ऐसा हो गया उसके साथ। पर यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। हर बात में खुदावन यीशु मसीह जो भी उदाहरण देते थे, जो भी बातें बताते थे, वो उसका एक विशेष मकसद हुआ करता था। और 23वें पद में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, उखड़ जा और समुन्द्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, आज मेरी और आपकी हालत क्या है? मेरी और आपकी हालत ये है कि मैं और आप जो है, जैसे मैं हमेशा अक्सर इस बात को शेयर करता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया गया, ये सब बिल्कुल जीवित है, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। और इसमें जो कुछ लिखा है वो मुझे और आपको क्या करना है, मानना है। मुझे और आपको किसी चीज पर संदेह नहीं करना है। हालेलुया। अगर मैं और आप संदेह करेंगे, यानी अविश्वास करेंगे तो क्या होगा मेरे प्रियो? वो काम नहीं होगा। इसलिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। और वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुन्द्र में जा पड़, तो मन में संदेह ना करे। जी हाँ, अगर मेरा और आपका विश्वास है, मेरा और आपका विश्वास मजबूत है किस पर? परमेश्वर पर। मैं और आप विश्वास करते तो मेरे प्रियो, जो मन में सोचा है वो आपके लिए पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं उससे बच नहीं सकते। 100% हमारे जीवन में वही होगा जो हम जो बात हम परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगेंगे। हालेलुया। और वो कहता है, और मन में संदेह ना करें, वरे प्रतीति करें कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जी हाँ, यहाँ पर एक बात विशेष तौर से एक बात है कि मुझे और आपको मन में विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको मन में विश्वास करना है और मुंह से क्या करना है, अंगीकार करना है। जब जो चीजों का मैं और आप अंगीकार करेंगे, शायद मैं कल इस बात पर, परसों इस बात पर बोल रहा था, इस बात के बारे में विषय में कह रहा था कि मुझे और आपको अपने मुंह से जो भी बात कहनी है वो अंगीकार कर रहे हैं, मन में विश्वास कर रहे हैं और मुंह से हम उसको अंगीकार करते हैं, तो जो मुंह से निकलेगा। इसलिए मुझे और आपको बड़े विशेष इस वर्ष में इस बातों का बड़ा ध्यान रखना है कि मैं और आप मुंह से कौन से शब्दों को निकाल रहे हैं, कौन सी बातों को मुंह से निकाल रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको मुझे और आपको मुंह से निकालने से पहले सोचना है। क्योंकि वचन के अनुसार जब हम मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं तो वही मेरे और आपके साथ होता है। हम देखते हैं कि हमारे पुराने लोगों का बड़ा सोचना था, पुराने लोगों के बड़े विचार थे। क्या विचार थे? कि वो कहते थे, अरे हम अपने फाइनेंस को इसलिए
अपना इकट्ठा करते आ रहे, हम किसी को पैसा नहीं देंगे अपना, हमारा पैसा हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। बुढ़ापे से मतलब था उनका कि हम बीमारी में, और हम अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमें कौन पैसा देगा, कौन हमारी सहायता करेगा। तो मेरे प्रियो, वो बुजुर्ग लोग, वो बड़े लोग, वो लोग प्रभु लोग इस बात को सोच के चलते थे कि भाई हम रिटायर हो गए, अब ये पैसे को हम बड़ा संभाल के खर्च करेंगे, नहीं देंगे किसी को, क्योंकि ये हमारी बीमारी में काम आएगा। अब क्यों बीमारी में काम आएगा? जब आप अपने मुंह से इस बात को अंगीकार कर रहे हैं तो जरूर वो उसी में काम आए। बहुत से लोगों का होता है कि वो अपनी मृत्यु के बारे में सोचने लगते हैं, अरे जब मैं मरूंगा तो मैं अपने लिए कफन रखूंगा और मैं ये चीजें रख लूं, ये खरीद लूं, ये खरीदूं, वो रख लेते हैं लोग। और मेरे प्रियो, क्या होता है, क्या है, मैं और आप अपने कामों के द्वारा, अपने मुंह से जब अंगीकार कर रहे हैं, वही विश्वास करेंगे, हमारे साथ वही घटेगा। मेरे प्रियो, वही ऐसा होता ही यही है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये है कि हम मुंह से क्या अंगीकार करें। इस साल में मुझे और आपको ये विश्वास करना है, मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं और आप क्या करें, मुंह से बिल्कुल सही बातों का अंगीकार करें। प्रेज द लॉर्ड। किसी को ये मत कहिए कि तू बर्बाद हो जाएगा, तू खराब हो जाएगा, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मत कहिए किसी को। क्यों? क्योंकि जो आप मुंह से निकालेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जुबान के अंदर, जुबान के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों लिखे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वचन कहता है कि जुबान के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों है। तो इस बात का इस साल मुझे और आपको ध्यान रखना है कि मुंह से कोई बात हमें नहीं निकालनी है, मुंह से कोई गलत बात नहीं बोलनी है। हालेलुया। और जैसा हम मन में सोचेंगे वैसा ही हमारे लिए होगा। 24वां पद कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रीति कर लो कि वो तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। पहली आयत क्या बात है, क्या बड़ी सुंदर बात कह रहा है कि मैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। मेरे प्रियो, मेरे अजीज, हम प्रार्थना में बहुत सी ऐसी चीजों को मांगते हैं, बहुत सी चीजों को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। और वो वचन कह रहा है कि प्रार्थना, जब तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रीति कर लो। अब क्या हो गया, हमने प्रार्थना करी किसी चीज के लिए, मान लीजिए हमने जॉब के लिए प्रार्थना करी कि भाई मेरे को जॉब मिल जाए अच्छी, या मेरे बच्चों का विवाह अच्छा हो जाए, और क्या करें, अब मैंने तो प्रार्थना कर ली। जी हाँ, खुद प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद फिर किसी दूसरे से कह दिया, अरे भैया मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना। तीसरे से कह दिया, भैया मेरे लिए इसी चीज के लिए। तो मेरे प्रियो, क्या कर रहे हो? क्योंकि आपको अपने की गई प्रार्थना पर विश्वास नहीं है, आप परमेश्वर से जो बातें कह रहे हैं परमेश्वर पर आपका विश्वास नहीं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, खुदा ने अंतिम समय जब वो क्रूस पर था और अपने प्राणों को त्यागा तो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। क्यों? क्योंकि उसका और मेरा, हमारा डायरेक्ट लिंक हो गया। किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। जी हाँ, मेरा और आपका डायरेक्ट लिंक हो गया। अब हमें किसी की प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है। अब हम कहें, जब आपने प्रार्थना करी तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि कह रहा वचन में, जो कुछ तुम मांगोगे प्रार्थना में मांगोगे प्रीति कर लो, तुम्हारे लिए हो गया। क्यों? मैं और आप क्या कर रहे हैं, मैं और आप क्या कर रहे हैं, अरे भैया मेरे लिए प्रार्थना कर देना, फिर तीसरे आदमी से कह दिया, फिर चौथे आदमी से कह दिया, कहीं और प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दी, किसी उसके जगह पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दी, क्या कर रहे हो? क्योंकि आपको अपने प्रार्थना पर विश्वास नहीं है, आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। हालेलुया। और वो कहता है तुम्हारे लिए हो जाएगा, जब मैं विश्वास करूंगा, जब मैंने प्रीति कर ली, जब मैंने मान लिया, प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। जी हाँ, क्या हम प्रार्थना में करते हैं, प्रार्थना में कहते हैं प्रभु तुझसे हमने प्रार्थना की, प्रभु तूने हाँ और आमीन के साथ उसे ग्रहण कर लिया। हालेलुया। जब ये हमने कह दिया ग्रहण कर लिया, इसका मतलब हो गया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं सोचने की जरूरत है किसी बात को, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए हो चुका है। क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने जो वायदे किए हैं, वो वायदे कैसे हैं,
पक्के वायदे हैं। मैं और आप खुदा पर विश्वास नहीं करते मेरे प्रियो। यहाँ पर इतना बड़ा काम हो गया, अंजीर का पेड़ सूख गया। क्यों? क्योंकि विश्वास से उसको कहा गया कि तू सूख जाएगा, तो वो सूख गया। तो मैंने जैसे अभी बताया कि मेरे और आपके मुख जो जुबान है, उस जुबान के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों चीजें हैं। प्रेज द लॉर्ड। और 25वां गोत कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। दिन में 10 बार प्रार्थना कर रहे हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है पृथ्वी पर भी, हमारे दिन में की रोटी आज दे, अपराधों को क्षमा कर जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया। मैंने तो अपने अपराधियों को क्षमा किया ही नहीं, तो कैसे मेरी, जब मेरे अपराध क्षमा नहीं, जब मैं किसी के अपराध क्षमा नहीं कर रहा, तो मेरे प्रियो मेरे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। जान लीजिए, 10 या 12 दुआ कर लीजिए, कितनी बार आए हे हमारे पिता की दुआ कर लीजिए, कुछ नहीं होगा आपके, जब तक के आप अपने विरोधियों को क्षमा नहीं करेंगे। ये विशेष बात है। तो आप कह रहे हैं जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आपने तो अपने अपराधियों को क्षमा किया ही नहीं मेरे प्रियो। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके चेहरे से नफरत करते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं। क्यों? हालेलुया। वो प्रार्थना तो रोज कर रहे हैं, रोज परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए उनकी प्रार्थना प्रार्थना क्या नहीं हो रही, उनकी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही, क्योंकि वो मन से किसी को क्या कर रहे हैं, अपराधियों को क्षमा, जो हमारे अपराधी हैं जिन्होंने हमारे विरुद्ध कुछ किया, हम उनको दिल से क्षमा नहीं कर रहे, मन से क्षमा नहीं कर रहे। वो कह रहा है कि तुम खड़े होकर जब प्रार्थना करो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। जी हाँ, मैं आपको कहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूं, कुछ लोग हमसे भी नाराज हैं, ऐसा नहीं है कि नाराज नहीं है। हम लोग अगर प्रचार करते हैं तो हमसे हमारे विरोध में लोग नहीं है, होते हैं बिल्कुल, और वो इस बात में होने दीजिए। आपने उन्हें क्षमा कर दिया, आप पहले होके बोले जी हाँ मेरे कुछ विरोध था किसी से, उन्होंने मुझसे नाराजगी जाहिर की, नाराज है मुझसे, कोई बात नहीं, नाराज है, मैंने तो उनके अपराध को क्षमा कर दिया। मैं ऐसे बता नहीं रहा हूं आपको, प्रैक्टिकली कह रहा हूं, मैंने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया, जो मेरे प्रति उन्होंने कुछ भी कहा, कुछ भी गलत किया मेरे प्रति, जो भी किया कोई दिक्कत नहीं, मैंने हाथ भी मिला लिया। अब वो उसके बाद भी नहीं मिलाना चाहते, नहीं बात करना चाहते, आप उससे बरी हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, आप बरी हैं, आपने अपने तरफ से उनके अपराधों को क्षमा कर दिया, आपने उनको अपनी तरफ से क्षमा कर दिया। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर की बातें, ये है परमेश्वर का प्रेम। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की बातों को नहीं समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर की, खुदा के कलाम की एक एक बातें मेरे प्रियो बड़ी गहरी है, बड़ी गहराई के साथ बताती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, इसलिए कि तुम्हारा, वो कह रहा है अगर तुम क्षमा करोगे, यस हालेलुया, बड़ी बढ़िया लाइन है, तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में वो भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। क्यों नहीं मेरे अपराध क्षमा हो रहे? इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि मैं अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर रहा। मेरे प्रियो मेरे अजीज, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम कह देते हैं हमने तो उसे माफ कर दिया, लेकिन दिल से माफ नहीं करते, दिल से माफ नहीं करते। हालेलुया। पहचानिए अपने आप को, क्यों आपकी प्रार्थना है, क्यों आपके निवेदन परमेश्वर के सामने ग्रहण नहीं हो रहे। इसलिए ग्रहण नहीं हो रहे क्योंकि खुदा की बातों पर आप नहीं चल रहे, खुदा के वचन के अनुसार आप नहीं चल रहे। खुदा कह रहा मैं तेरे अपराध क्षमा कर दूंगा, तेरे अपराधों को मैं क्षमा करूं। ए पिता मेरे अपराधों को क्षमा कर कि मैं भी अपने अपराधियों को क्षमा कर करूं। तो हम अपने अपराधियों को क्षमा ही नहीं कर रहे, तो इसलिए मेरे और आपके अपराध भी क्षमा नहीं हो रहे। और 26वां पद कहता, अंतिम पद कह रहा है, और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। खुदा ने जो मैं बात कह रहा हूं उसने अपने वचन में पहले से लिख के दे दी मुझे और आपको कि यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो आज यही तो हालत है मेरी और आपकी, यही कंडीशन है मेरी और आपकी,
कि मैं और आप अपने प्रिय लोगों को, अपने भाई बहनों को, अपने अजीजों को, उसने मुझसे ऐसा कह दिया, उसने मुझे बुरा कह दिया, अरे मैं उससे बात नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, आपको झुकना है, आप झुके और बात करें। वो बात नहीं करते, वो आपको नहीं पसंद करते, कोई बात नहीं, छोड़ दिए, क्योंकि आप अपनी तरफ से अपने उनके अपराध को, उनकी विरोध को क्षमा कर चुके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, क्योंकि बहुत सी छोटी बातें हैं जिन बातों को मैं आप समझ नहीं पाते। मेरे प्रियो, मुझे और आपको इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, कि हम चाहे कितनी बार हे हमारे पिता की प्रार्थना को कह दें, हम आने वाले मौके में मैं इस प्रार्थना के बारे में भी, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग के, प्रार्थना के बारे में भी शेयर करूंगा, क्योंकि खुदा के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार मुझे और आपको क्या करना है, चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अरे मैं विश्वास करता हूं कि ये जो वचन का बीज बोया गया है, ये वचन का जो बीज बोया गया है, इस पर प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, और जितने भी ऑनलाइन है मेरे प्यारे भाई बहन, सबको प्रभु बहुत बरकत दे, और उसके बाद जो ऑफलाइन सुनेंगे, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे, और ये बीज जो वचन का बोया गया 100% 1000% लोगों के काम आने पाए। मेरे प्रियो, इस समय बड़ी सर्दी है, बहुत ठंड का समय चल रहा है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम सबको परमेश्वर के साथ जुड़ना आवश्यक, चाहे कोई से भी हालात हो, चाहे कैसा भी समय हो, जब मैं और आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो एक उत्तम आशीष हमें मिलेगी, एक उत्तम आनंद हमें मिलेगा। तो आइए हम सब प्रार्थना में चले। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है, अपनी आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह में रखा है, और हर पल हमें संभाल के रखा। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक एक प्यारे भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी हर एक की कमजोरी, कमी घटी को दूर करिए। प्रभु अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से परिपूर्ण करिए। विजय विशेष कर प्रार्थना करता भाई विजय मैथ्यूज के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उनकी जॉब के लिए, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। मैं प्रभु उनकी प्रार्थना के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हम सब मंडली मिलकर के प्रार्थना कर रही है भाई विजय मैथ्यूज के लिए, उनकी जॉब के लिए खुदावन। खुदावन आने वाले समय में वो इस बात की गवाही देने पाए कि खुदावन उन्हें जॉब मिल चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम सब भाई बहन इस बात के लिए आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन कौन, बहुत से लोग जो निराशा में है, बहुत से लोग कमजोरी में है, बहुत से लोग परेशानियों में है, और प्रभु जी आपको, आपके हाथों में उनके जीवन को देते प्रभु। पिता सहायता कीजिए, पिता सहायता कीजिए, सबकी मदद कीजिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन, कोई नशे की हालत में है, कोई कुछ व्यक्ति ऐसे हैं प्रभु जी जो कि गलत गलत नशों में फंसे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन को आपके सम्मुख लाते हैं खुदावन, वो अपनी गलती को महसूस कर सके खुदावन, उस नशे से वो दूर होने पाए खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके सुसमाचार का प्रचार जितने भी पासवान लोग कर रहे हैं, जितने भाई बहन कर रहे हैं प्रभु, हर एक को आप आशीषित कीजिए। जितने पेजेस चल रहे हैं प्रभु, उन पेजों पर आपकी आशीष और बरकत हो खुदावन। इस रात्रि के समय में जब सोने जाते हैं, इससे पहले प्रभु अपने जीवनों का समर्पण खुदावन आपके सम्मुख करते हैं। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। और मैं स्वागत करता हूँ पास्टर ईडी सिंह साहब का। जय मसीह की आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए विशेष सूचना है, शाम को 7 से 8 का जो स्लॉट है उसमें पास्टर हर्षित नूरा जी जो कि गोरखपुर शहर से हैं और दाऊद प्रेयर टावर उनका चलता है, उसमें प्रार्थना भवन है, वो वहां से हम सबों के साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे। कल प्रभु के कलाम को बताएंगे, और रात को सिस्टर रेणुका सैलेस जो हमारी दिल्ली से हमारी बहन है, और वो हमारी बहन कल 8 से 9 प्रभु के कलाम को लेके आ रही है। तो आप हमारे इन दोनों भाई बहनों पर अपनी
प्रार्थना और विनती करें प्रभु से कि प्रभु इनको बहुत आशीष दे और इनके द्वारा प्रभु का एक विशेष कलाम हमारे सामने आने पाए। और डिले डिवोशन के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब भी प्रभु की अगुवाई और प्रभु के दर्शन में पड़ सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।